हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीठी दही पूरी की ये रेसिपी, जो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप देख सकते हैं कि कितनी फूली फूली और इसमें चाशनी अच्छी तरीके से भरी हुई है। तो हम इसी तरीके से आपको बनाना बताएंगे। ये आप बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट हम आपको बताएंगे एक ही प्याले के हिसाब से। अगर आप उसके हिसाब से बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी और बिल्कुल अच्छी बनेंगी, और इसका फ्लेवर भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये बिल्कुल जलेबी की तरह ही लगती हैं, तो आप भी इसे घर पर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लिया है हमने एक प्याला मैदा, और उसे कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर। तो ये जो हमने प्याला लिया है, इसी प्याले के मैनेजमेंट से हमें सब कुछ लेना है। तो हमने एक प्याला जो मैदा ली है, उसी प्याले से हम ले लेंगे ये आधा कप सूजी। सूजी भी हमने इसी प्याले से ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें लेना है दही। दही भी हमने सेम प्याले से ले लिया है, ये भी हमने आधा प्याला लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर सोडा, बिल्कुल चुटकी भर ही हमें इसमें डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसमें थोड़ा सा हम फूड कलर डालना है, ये हम रेड कलर का ही डालेंगे, ऑरेंज कलर जो होता है। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसे दही में ही गूंदना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है हमें। इसको आटे की तरह तैयार करना है। डो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसमें और दही की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको इसमें थोड़ी दही की जरूरत पड़े तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मैनेजमेंट है, तो इसमें आपको दही की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे दही में मिलाना है, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देते हैं। अब हमें करनी है चाशनी तैयार। तो इसके लिए हमने सेम प्याला ले लिया है, और इसे एक प्याला हमने चीनी ले लिया है, और इसे एक बर्तन में कर लेते हैं जिसमें हमें चाशनी बनाना है। और उसी कप से हमें लेना है एक प्याला पानी, इसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो चाशनी को हम पकने के लिए रख देंगे, चीनी घुलने तक ही हमें इसे पकाना है। चीनी हमारी अच्छे से इसमें घुल चुकी है, और इसमें एक उबाल भी आ गया है। गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे, बस चाशनी हमें इतनी ही तैयार करनी है, चाशनी को गाढ़ा नहीं करना है। अब आटा हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसके बड़े से एक लोई बनाएंगे और इसे बेलेंगे। इसे हमें बड़ा सा ही बेल लेना है, ताकि हम इसे ग्लास की मदद से छोटा छोटा या किसी भी कटोरी की मदद से छोटा छोटा काट लेंगे, इसलिए हम इसे एक बड़ा सा ही बेल लेंगे। हमने इसे बड़ा सा बेल लिया है, अब हम इसमें एक कट लगाएंगे। एक गिलास की मदद से हम इसको काट लेंगे छोटी छोटी पूरियों की बराबर। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को बेलकर रख लेंगे, ये इतनी ही बड़ी हमको बनानी है। सारी पूरियां बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, ये हमने बेल ली है, और अब हमें इन्हें फ्राई करना है। तो हमने गैस पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने एक एक करके ये पूरियां इसमें डालनी है और इन्हें फ्राई करना है। इन्हें अलट पलट के हम थोड़ा सा सेक लेंगे, जब ये एक साइड से सिक जाती हैं तब इन्हें हम पलट देंगे, और ये अच्छी तरीके से फूलने लगती हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फूली फूली बन जाती हैं। अब हमने इसे बाहर निकाला है, ये अच्छी तरीके से हमारी फ्राई हो चुकी हैं, और ये जो हमने चाशनी तैयार की है, इस चाशनी में हमें इसे तुरंत डाल देना है। हमने इसे चाशनी में तो डाल दिया है, अब हमें इसे तुरंत ही निकाल लेना है, ज़्यादा देर नहीं डालना है। चाशनी इसमें अच्छे से भर जाती है, क्योंकि ये गर्म है, गर्म गर्म में चाशनी जल्दी भर जाती है, और हमारी चाशनी भी थोड़ी गुनगुनी थी। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसे भी गुनगुना कर लीजिए। तो सारी दही पूरियाँ बनकर हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली हमारी दही पूरियाँ बनी हैं, और इसमें चाशनी बिल्कुल अच्छी तरीके से भर चुकी है। तो आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।